वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का लेसन अ फेलो ट्रेवलर। इसकी लास्ट की दो पैसेज रह गई हैं, उसे देखते हैं आज। आई टुक माय पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। आई टुक, मैंने ले लिया माय पेपर, अपना पेपर, एंड ही केम, और वह मच्छर आया एंड सैट, बैठ गया ऑन इट, इस पेपर के ऊपर। मैंने अपना पेपर ले लिया और वह मच्छर आया और उसी पेपर के ऊपर बैठ गया। फूलिश फेलो, आई सैड, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी, आई सैड, मैंने कहा, यू हैव, तुमने, डिलीवर्ड, सौंप दिया है, योर सेल्फ, अपने आप को, इन टू माई, मेरे हैंड्स, हाथों में। मैंने कहा कि मूर्ख साथी, अब तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव वट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्पस नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। आई हैव, मेरे पास है, बट सिवाय टू गिव देने के, दिस ये, रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक, वीकली, साप्ताहिक, मेरे पास सिवाय इस सम्मानजनक साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, विचारों को स्रोत के सिवाय देने के लिए कुछ नहीं है। अ स्मैक, दबाने से, ऑन द बोथ द कवर्स, दोनों तरफ से, एंड और, यू, तुम, आर, हो, अ कॉर्प्स, लाश, नीटली, साफ सुथरे, सैंडविच, बिटवीन, बीच में, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, ऑन मिस्टर वो पीस ट्रैप्स, एंड अनदर, दूसरा आर्टिकल है, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। मीन्स राइटर ये कहता है कि मैंने अपना पेपर ले लिया और वह आया मेरे पेपर के ऊपर बैठ गया। मैंने उससे कहा, मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है, या तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, मेरे पास सिवाय इस सम्मानजनक साप्ताहिक ऑर्गन के सिवाय कुछ नहीं है, जो मैं, यदि इस अखबार को दोनों तरफ से दबा दूं तो तुम एक लाश बन जाओगे और साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे, और दो आर्टिकल हैं, मिस्टर पीस ट्रैप्स और दूसरा मिस्टर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स। कहने का सेंस यह है, एक अखबार है, अखबार में एक पेज पे पीस ट्रैप्स हेडिंग पड़ी हुई है और दूसरे पेज पे हेडिंग है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स। यदि लेखक इन दोनों पेज को दबा दे तो वह एक लाश बन जाएगा, मच्छर। वट आई सेल नॉट डू इट, बट लेकिन, आई, मैं, सेल नॉट डू, नहीं करूंगा इट, ये, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। बट लेकिन, आई सेल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव, मैंने, रिप्रीव्ड यू, तुम्हारी सजा माफ कर दी है या स्थगित कर दी है, एंड और, आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, दैट की, व्हेन दिस लार्ज एनिमल से, जब ये विशाल पशु कहता है ए थिंग, कोई बात, ही मीन्स इट, वह इसे जानता है। जब कोई विशाल पशु ऐसी कोई बात कहता है तो वह इसके मतलब को भी जानता है। मोर ओवर, अधिक से अधिक, आई, मैं, नो लॉन्गर, अब नहीं, डिजायर, इच्छा करता हूँ, टू किल, मारने की, यू, तुम्हें, अब मैं तुम्हें जान से मारने की इच्छा नहीं करता हूँ। थ्रो नोइंग यू बेटर, थ्रो नोइंग, जानकर, यू बेटर, तुम्हें और अच्छा, मैंने तुम्हें और अच्छा जान लिया है। आई हैव कम टू फील, और मैं इस भावना में पहुंच चुका हूँ, मैं इस अनुभव में पहुंच चुका हूँ, या मैंने ही अनुभव कर लिया है। सैलाई से क्या मैं कहूंगा, या जो मैंने अनुभव किया क्या मैं कह दूं, मैं कह दूं, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अ सॉर्ट, एक प्रकार का अफेक्शन, स्नेह फॉर यू, तुम्हारे लिए एक प्रकार का अफेक्शन, मतलब तुम्हें और अच्छा जानते हुए मैंने ये अनुभव किया है, क्या मैं ये कह दूं कि तुम्हारे प्रति मेरे अंदर बहुत स्नेह है। आई फैंसी दैट मिस्टर सॉरी एस टी फ्रेंकिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट की एस टी फ्रेंकिस वुड हैव कॉल्ड, पुकारता होगा ये तुम्हें, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई। यहाँ ये काल्पनिक नेम ले लिया, काल्पनिक जैसे कोई व्यक्ति है एस टी फ्रेंकिस, तो राइटर कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ कि एस टी फ्रेंकिस तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर पुकारता होगा। आई कैन नॉट गो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। आई, मैं, कैन नॉट गो, नहीं जा सकता हूँ, सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी,
ईसाइयों के दान पुण्य में, एनसिबिलिटी सभ्यता में, मैं ईसाइयों के दान पुण्य या सभ्यता में नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकोगनाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, बट लेकिन आई रिकोगनाइज, मैं पहचानता हूँ अ मोर अत्यधिक डिस्टेंट दूर के रिलेशनशिप संबंध को, लेकिन मैं दूर के संबंध को भी समझता हूँ या पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, फॉर्चून भाग्य ने हैज मेड बना दिया है अस हमें फेलो ट्रेवलर सहयात्री, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में, भाग्य ने हमें इस गर्मी की रात्रि में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेनड मी, आई हैव, मैंने इंटरेस्टेड यू, तुम में रुचि ली है, एंड और यू हैव, तुमने इंटरटेनड, आनंद किया है, मनोरंजन किया है मी मेरा, मैंने तुम में रुचि ली है और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। द ऑब्लाइजेशन, कृतज्ञता या एहसान, इज म्यूचुअल, आपसी, हमारे, हमने आपस में एक दूसरे पर एहसान किया है। एंड इट इज फाउंडेड, और इसको बनाया जाता है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इसके नींव के तत्व में फाउंड किया जाता है, स्थापित किया जाता है, दैट की वी हम आर हैं फेलो मॉर्टल्स सह नाश्वर, मतलब हमारा एहसान आपस का है और ये फंडामेंटल तत्व है, फैक्ट है, जो कि फाउंड किया गया है, स्थापित किया गया है कि हम सह नाश्वर हैं या सहयात्री हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स, द मिरेकल, चमत्कार ऑफ लाइफ, जीवन का, इज आवर्स, हमारे लिए, इज कॉमन, समान है, हमारे लिए जीवन का चमत्कार समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी हमारे लिए समान है। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, यू, तुम, डोंट नो, नहीं जानते हो एनीथिंग, कुछ भी अबाउट, बारे में, योर, अपनी जर्नी, यात्रा के बारे में, मैं कल्पना करता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, दैट कि आई नो, मैं जानता हूँ, मच अधिक अबाउट माइन, मेरे बारे में, और मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं भी अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक, भी हम आर हैं रियली, वास्तव में, हम वास्तव में यहाँ पर हैं व्हेन, जब यू कम, तुम आते हो, टू थिंक ऑफ इट, इस विचार पर, जब तुम इस विचार पर आ जाते हो, अ गुड डील, बहुत अधिक, अलाइक, एक समान, जो बहुत अधिक एक समान है, जस्ट ठीक, अपैरिशंस, मतलब भूत प्रेत, या कह सकते हैं परछाई की तरह, दैट आर एंड देन आर नॉट, परछाइयाँ जो कि होती हैं और नहीं होती हैं। कमिंग आउट, बाहर आते हुए, ऑफ द नाइट, रात्रि में बाहर आते हुए, इन टू द लाइटेड कैरेज, प्रकाश वाले रेलगाड़ी के डब्बे में अंदर प्रवेश करते हुए, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए रेलगाड़ी के डब्बे में लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और दोबारा रात्रि में अंदर जाते हुए, और यह दोबारा रात्रि में प्रवेश करते हुए, परहैप्स, शायद, देखते हैं इसके बाद इसकी लास्ट पैसेज। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन, आगे जाएंगे, टू नाइट, आज की रात, सर, श्रीमान, श्रीमान, आप आज की रात और आगे जाएंगे, सैड अ वॉइस एट द विंडो, सैड, कहा अ वॉइस, एक आवाज ने, एट द विंडो, खिड़की पर किसी व्यक्ति ने आवाज लगाई कि श्रीमान जी, आप अभी और आगे जाएंगे, इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वाज माय स्टेशन, इट, ये वाज था अ फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक, पोर्टर, पुली, गिविंग, दे रहा था मी, मुझे अ हिंट, एक संकेत, दैट की दिस, ये वाज था माय, मेरा स्टेशन, ये एक फ्रेंडली पुली था जो मुझे ये हिंट दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है।
आई थैंक्ड हिम एंड सैड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग। आई मैंने थैंक्ड धन्यवाद दिया, हिम उसे, एंड सैड कहा, आई मैं मस्ट हैव बीन डॉजिंग मीन्स उंगना झपकी लेना। मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने उस कुल्ली को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि मैं झपकी ले रहा हूँगा या मैं ऊँग रहा हूँगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई बेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। एंड और सीजिंग उठाकर या पकड़ के माई हैट अपना टोप एंड स्टिक छड़ी आई बेंट आउट मैं बाहर चला गया इन टू मे द कूल समर नाइट ठंडी गर्मी की रात्रि में। अपना टोप उठाकर और अपनी छड़ी हाथ में लेकर मैं ठंडी गर्मी की रात्रि में बाहर चला गया। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैंप। एज जैसे ही आई क्लोज्ड मैंने बंद किया द डोर दरवाजा ऑफ द कंपार्टमेंट रेलगाड़ी के डिब्बे का, जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाजा बंद किया आई सा मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर मेरा सहयात्री फ्लैटरिंग फड़फड़ा रहा था राउंड द लैंप लैंप के चारों ओर। जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाजा बंद किया मैंने देखा कि मेरा सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो ये था लेसन अ फेलो ट्रेवलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।